तो मैं पार्किंग से बिरला मंदिर के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ की जो पार्किंग की टिकट है वो पूरे राजस्थान में सबसे महंगी है, जिसका प्राइस है 2 रुपीज। क्यों भैया, महंगी है ना? बहुत महंगी है भाई साहब। बहुत महंगी है ना? बहुत महंगी है। तो सुबह के लगभग 6 बजे हैं और हम जा रहे हैं पत्रिका गेट देखने। पत्रिका गेट जो कि इंडिया का सबसे कलरफुल गेट है, और इतना ही नहीं, जहां पर ये गेट बना हुआ है वो पूरे एशिया का सबसे बड़ा सर्कुलर गार्डन भी है, जिसका नाम है जवाहर सर्कल गार्डन। जब महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड ने 1727 में जयपुर को बनाया था, तब उन्होंने चारों दिशाओं में टोटल 7 दरवाजे बनाए थे, और उसके बाद एक दरवाजा 1940 में बनवाया गया था जिसका नाम है नया पोल। और फिर एक लोकल न्यूज़पेपर कंपनी राजस्थान पत्रिका ने JDA यानी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर इस गेट को बनाया था, जिसे पब्लिक के लिए 2016 में ओपन कर दिया गया। ये जयपुर सिटी में बना हुआ सबसे नया गेट है, तो इसीलिए इसे 9th गेट ऑफ जयपुर भी बोलते हैं। पत्रिका गेट खुद 81 फीट चौड़ा है, वहीं इसका हर एक खेमा 9 फीट चौड़ा है और इसकी हाइट है 108 फीट। पत्रिका गेट का जो आर्किटेक्चरल डिजाइन है वो राजस्थान के कल्चर को बखूबी रिप्रेजेंट करता है। मैं हूँ इस वक्त पत्रिका गेट पर, जो कि इंडिया का सबसे मोस्ट कलरफुल गेट है। अगर आप यहाँ आना चाहो तो आप सुबह 6 और 7 के बीच में यहाँ आ सकते हो, क्योंकि इस वक्त क्राउड सबसे ज्यादा कम रहता है। पत्रिका गेट देखने के बाद अब हम जा रहे हैं बिरला मंदिर, और ये है जयपुर का सबसे बड़ा मॉल WTP यानी वर्ल्ड ट्रेड पार्क। ये कितना बड़ा है आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ एक साथ 3000 कार्स को पार्क करने की जगह है। इस मॉल में बेसमेंट को मिलाकर टोटल 13 फ्लोर्स हैं। 2012 में इसे बनाने में लगभग 350 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। पार्किंग से बिरला मंदिर के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ की जो पार्किंग की टिकट है वो पूरे राजस्थान में सबसे महंगी है, जिसका प्राइस है 2 रुपीज। क्यों भैया, महंगी है ना? बहुत महंगी है भाई साहब। बहुत महंगी है ना? बहुत महंगी है। जब आप मंदिर के अंदर एंटर करोगे तो आपको सबसे पहले दिखेगी यहाँ शिव जी की मूर्ति, और इनके दूसरी तरफ है बिरला मंदिर। We'll be right back.
ये जो पीछे आपको किला सा दिख रहा है ये एक्चुअली एक शिव मंदिर है। ऐसा बोलते हैं कि इंदिरा गांधी के टाइम में जो इमरजेंसी लगी थी उस वक्त यहाँ से 82 क्विंटल सोना निकला था, जिसे ले जाने के लिए 4-5 ट्रक बुलाए गए थे। पत्रिका गेट और बिरला मंदिर देखने के बाद अब हम जा रहे हैं आमेर की तरफ, जिसे ओल्ड कैपिटल भी कहा जाता है। वहाँ हमें अंबर पैलेस के साथ साथ कुछ और भी हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने को मिलते हैं। और ये है मेरे पीछे आमेर पैलेस। जब आप आमेर पैलेस की तरफ जाते हो तो रास्ते में ये एक व्यू पॉइंट आता है जहां आप इस तरह की टोपी लेकर फोटो वगैरह खिंचवा सकते हो। और ये जो भाई साहब हैं इन्होंने मुझे ये टोपी दी है जो है 50 रुपये की। आप यहीं रहते हो तो आप जब भी आओगे ये आपको यहीं मिलेंगे। अगर आपको टोपी ऐसी बाय करनी है, राजस्थानी टोपी, तो आप इनसे बाय कर सकते हैं। ये अंबर पैलेस का फ्रंट वाला रास्ता है। अगर आप चाहो तो यहाँ से भी ऊपर जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 350 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। या फिर दूसरा रास्ता ये है कि आप यहाँ आकर ऐसी जीप रेंट कर सकते हो जो आपको अंबर पैलेस के पीछे वाले रास्ते से ऊपर लेकर जाएगी, और वो पैलेस का पीछे वाला दरवाजा है। तो आमेर पैलेस जाने के लिए मैंने ली है ये जीप, जिसका रेंट है अराउंड 450। जो जीप लेने की वजह है वो ये है कि ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं वो 350 सीढ़ियाँ हैं। एक तो हमारा टाइम बचेगा, दूसरा जो ये जीप है वो आपको देकर जाएगी ओल्ड जयपुर के रास्ते, जहाँ से हम बीच में पन्ना मीना का कुंड भी देख सकते हैं। तो ये जो भाई है मेरे, ये हमें ऊपर लेकर जाएंगे, और जब तक हम सारा का सारा आमेर पैलेस नहीं देख लेते तब तक ये वहीं रहेंगे, और ये हमें वापस भी लेकर आएंगे जो कि उसी प्राइस में इंक्लूडेड है। अगर आप ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ या जीप इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो एक ऑप्शन आपके पास एलिफेंट राइड का भी है, जो कि लेते हैं आपसे 1100 रुपये एक तरफ का, लेकिन ये वापस नहीं आते। अगर आपको वापस आना है तो आपको जीप या कार से ही वापस आना पड़ेगा। तो मैं हूँ इस वक्त पन्ना मीणा के कुंड में, जो कि एक स्टेप वेल है। यहाँ पहले रानियों का ये स्नान घर हुआ करता, यहाँ रानियाँ नहाया करती, और ये हुआ करता उनका चेंजिंग रूम। राजपूतों से पहले यहाँ मीणाओं का राज था। मीणा एक कास्ट होती है, तो इसीलिए इनका नाम है पन्ना मीणा कुंड। आमेर पैलेस में पीछे के रास्ते जाते हुए पन्ना मीणा कुंड के बाद आता है ये जगत शिरोमणि टेंपल, जो कि 16th सेंचुरी का टेंपल है, और ये टेंपल मीराबाई, कृष्णा और विष्णु जी को समर्पित है। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये गरुड़ जी की छतरी है। ये जो है ये राजा मानसिंह, प्रथम राजा मानसिंह जो मुगल आर्मी चीफ जनरल थे, उनके लड़के के स्मृति में इसका नाम है जगत शिरोमणि। शिरोमणि बोले तो विष्णु भगवान। राजा मानसिंह के लड़के जब काबुल, कंदार, अफगानिस्तान फाइट करने गए तो वहाँ से अकबर ने उनको प्रसन्न होकर सोने का कवच दिया, जिससे जगत सिंह की अल्प मृत्यु हुई। उनकी याद ने, उनकी माँ कनकावती ने इस मंदिर का नाम जगत सिंह के नाम से जगत शिरोमणि रखा। शिरोमणि बोलते हैं तो भगवान विष्णु। इसमें भगवान विष्णु के विग्रह से, कल्याण जी महाराज के विग्रह से इस मंदिर में विष्णु की प्रतिमा है। 1576 में जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो राजा मान सिंह मुगलों से बचा के यहाँ कृष्ण और मीराबाई की प्रतिमा लाए, जिसमें आप देखेंगे कृष्ण जी के साथ मीराबाई है। और एक विशेष बात है कि आप जो देख रहे हैं तोरण द्वार, कृष्ण जी के साथ मीरा ने तोरण मारा, ये तोरण बना हुआ है। तो इधर आप देखिए
राम जी सीता हैं, इधर शिवा पार्वती ये तोरण है, ये दक्षिणी शैली के आधार पे बना हुआ है। इस मंदिर की कोस लागत 972,000 है। इसका जो आर्ट है गोल्ड की कीमत में देखिए, पूरे 52 अवतार बने हैं, 24 अवतार बने हैं। और मैं आपको एक चीज़ की जानकारी दूंगा कि 9वीं शताब्दी में मीणा लोग रहते थे। तो देखिए सर, ये येलो वाला जो मंदिर देख रहे हैं ये सूर्य मंदिर है 854 का, इसके बराबर जैन मंदिर है। सामने जो वॉल है तो पहली वॉल है चाइना, सेकंड वाला है कुंभलगढ़, थर्ड ये वॉल देख रहे हैं सराउंडेड वॉल है 12 किलोमीटर्स। आप देखेंगे सामने देखो जो झंडा लहरा रहा है फ्लैग, ये भगवान अम्बकेश्वर का मंदिर है। तो इस गांव का नाम अम्बा, अम्बरीश और अम्बकेश्वर के नाम से गांव का नाम रखा आमेर। रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ये जो सामने कृष्ण जी की मूर्ति आप देख रहे हैं, ये वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी। और इस मंदिर के जो प्रमुख पंडित हैं, उन्होंने भी ये बताया कि ये असली मूर्ति है। तो फ्रेंड्स, मैं इस वक्त आ चुका हूँ आमेर पैलेस के अंदर और मैं आया हूँ पीछे इस रास्ते से। यह है पीछे का रास्ता जहाँ से गाड़ी मुझे लेकर आई है। और आते वक्त जो सामने से आपने सीढ़ियाँ देखी थी, अगर आप उन सीढ़ियों से चढ़कर आओगे तो आप आओगे इस वाले गेट से। और पीछे के गेट से अंदर आते ही उस तरफ टिकट काउंटर है जहाँ से आपको एक टिकट लेनी पड़ेगी जिसका प्राइस है 100 रुपये। और जब आप आमेर पैलेस के अंदर आओगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा ये चौक, और इस चौक का नाम है जलेब चौक। आमेर जो कि 1000 साल से ज्यादा पुरानी सिटी है, और अंबर पैलेस जो लगभग 450 साल पुराना पैलेस है जिसे राजा मान सिंह ने 16th century में कंप्लीट किया था, और ये एंट्रेंस गेट है जिसका नाम है सिंगपोल गेट। अब ये पैलेस बहुत बड़ा है जिसे एक राजा अपने लाइफ टाइम में कंप्लीट नहीं कर सकता, तो इसे बनाने में 3 राजाओं ने अपना योगदान दिया था। पहले महाराजा मानसिंह, सेकंड मिर्जा राज जयसिंह, थर्ड सवाई जयसिंह। और यह है दीवाने आम जिसमें टोटल 48 पिलर हैं, उसमें से 16 पिलर व्हाइट मार्बल के बने हैं, 32 रेड स्टोन के बने हुए हैं। ये दीवाने आम और ये पूरा पैलेस हिंदू और मुगल आर्किटेक्चर से मिलकर बना हुआ है। दीवाने आम के लेफ्ट साइड में इस पोर्शन का नाम है 27 कजेरी, जहां 27 गांव के जमींदार बैठकर सलाह मशवरा किया करते। सामने की तरफ नीचे आपको 2 गार्डन दिखेंगे, एक एंट्रेंस पर बना हुआ है और दूसरा सामने वाली झील के बीचों बीच मोहनलाल गार्डन। ये दोनों ही आर्किटेक्ट थे जिन्होंने मिलकर इस बिल्डिंग का मैप बनाया था, तो उनकी याद में राजा ने ये 2 गार्डन बनवाए थे। मोहनलाल गार्डन के अंदर शाम 7:30 से 8:30 बजे तक एक लाइट शो भी होता है। यह है आमेर पैलेस का फ्रंट का व्यू। जो जोधा अकबर मूवी में जो जश्न बहार की शूटिंग हुई है वो इसी गार्डन में हुई है। इस गार्डन का नाम है मोहनलाल गार्डन। और ये अंबर पैलेस का मेन एंट्रेंस गेट है जिसका नाम है गणेश पोल।
जब आप गणेश पोल से अंदर एंटर करोगे तो आपको दीवारों पर और सीलिंग पर हिंदू और मुगल आर्ट देखने को मिलेगी। और इसमें जो गोल्डन कलर आपको दिख रहा है वो रियल गोल्ड है। यहाँ इसके अंदर जो ये गेट हैं, इन्हें भी हिंदू और मुगल डिजाइन से डेकोरेट किया गया है। और जब हम और आगे जाते हैं तो इस तरफ बना हुआ है एक शीश महल, जिसे जय मंदिर और दीवाने खास भी बोलते हैं, जिसका कुछ हिस्सा सवाई मान सिंह के बाद महाराजा सवाई जय सिंह ने अपने रूलिंग टाइम में बनवाया था। उन्होंने यूरोप के बेल्जियम से बेल्जियन ग्लास और इटली से व्हाइट मार्बल मंगवाकर इसे पूरा किया। शीश महल की छत को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है और ये जो पिलर है इसे वन पीस में कट किया गया है। अब सबसे कमाल की चीज जो यहाँ देखने की है वो इस पिलर के नीचे वाले हिस्से में की गई नकाशी है। सर ये सिंगल पीस मार्बल है। अच्छा, एक पैसा मजदूरी मिलती थी, 1000 रुपए रोज खर्च करेंगे अपन तो भी कार्बन नहीं डलेगा, जो तो आदमी डूब गए। अच्छा जी, उस जमाने का हाथ का काम। इसमें 5 फिगर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला डिजाइन देखो आप, ये बन गया फिश मछली। अच्छा जी, सेकंड देखिए आप, एलिफेंटन हाथी का सूंड। अच्छा जी, दिस टॉप इज कोबरा का पल। अच्छा जी, स्नैक। अच्छा जी, ये बन गया क्रैफ कैकड़ा। अच्छा जी, ये पूरा बन गया स्कॉर्पियन बिच्छू। ये बन गया बिच्छू। हाफ पोर्शन देखिए आप, डियर, दोनों सींग है, गर्दन है, दोनों आँखें हैं। अच्छा जी, ये बन गया सर बटरफ्लाई तितली। अच्छा, डाउन में देखो आप, ये बन गया हनी बी मधुमक्खी। लास्ट में देखिए आप, टन ऑफ फ्लॉयल, लॉइन का पूछ। अच्छा, कलर देख रहे हो आप, दोनों में कलर नहीं है, ब्लैक स्टोन है। टॉप में मुगल है, डाउन में हिंदू है, कटिंग करके जॉइंट किया गया। तो आमेर पैलेस के अंदर एक टेलीस्कोप भी है, जिससे सामने वाले जयगढ़ किले का फ्लैग, उसकी कैनन फैक्ट्री और सिक्योरिटी वॉच टावर आप देख सकते हैं। और इसकी टिकट है 20 रुपीज। इसका जो व्यू है वो इतना क्लियर है कि वहाँ एक भाई ऊपर सेल्फी ले रहा है और वो मुझे इसमें दिखाई दे रहा है बिल्कुल साफ। आमेर पैलेस बहुत बड़ा है और बहुत सारी जगह और फैक्ट्स हैं दिखाने और बताने के लिए, लेकिन वो सारी हम इसे एक वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, तो अंबर पैलेस के लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अगर आप अंबर पैलेस देखने आ रहे हो तो आपको 2 से 3 घंटे का टाइम लग सकता है इसे पूरा देखने के लिए। और ये है जयपुर का फेमस एंड मोस्ट रिकमेंडेड रावत मिष्ठान भंडार। वैसे तो जयपुर में बहुत सारी मिठाइयों की दुकान है, लेकिन जो बेस्ट मिठाइयां हैं वो इसी शॉप पर मिलती हैं। रावत
मिष्ठान भंडार फेमस है अपनी प्याज की कचौड़ी के लिए और मावे की कचौड़ी के लिए, और यहाँ आपको रबड़ी के लड्डू भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप जयपुर आ रहे हैं और आपने यहाँ का कुछ भी नहीं लिया या नहीं खाया तो आपका ट्रिप आप अधूरा समझिए। रावत मिष्ठान भंडार पर आपको 100 से भी ज़्यादा तरह की मिठाइयाँ मिलती हैं। रावत मिष्ठान भंडार में आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको सामने दिखेगा मिठाई का सेक्शन और इस तरफ है रेस्टोरेंट, जहां आप चक्की की सब्जी, केर सांगरी और महाराजा थाली ले सकते हैं। और यहां मैंने ऑर्डर किया है यहां की फेमस कचौड़ी, एक प्याज कचौड़ी और एक मावे वाली कचौड़ी। तो यहां मैंने मंगवाई है दो कचौड़ियाँ, ये प्याज की कचौड़ी है और वो मावे वाली कचौड़ी है। और यहाँ से मैंने ली है जयपुर सिटी के नाम से पिंक बर्फी और मालपुए। और अब हम जा रहे हैं सिसोदिया और विद्याधर बाग की तरफ। तो लगभग 15-20 रेड लाइट्स क्रॉस करने के बाद मैं आ चुका हूँ सिसोदिया गार्डन। ये शहर से 8-10 किलोमीटर दूर है और वहाँ से हम लेंगे टिकट नहीं लेंगे क्योंकि ये कंपोजिट टिकट में इंक्लूडेड है। तो आइए अब चलते हैं अंदर। सिसोदिया बाग मतलब सिसोदिया रानी का बाग, जो कि जयपुर सिटी से 10 किलोमीटर दूर आउटर एरिया में बना हुआ है, जिसे महाराजा सवाई जयसिंह ने 1728 में अपनी सिसोदिया रानी के लिए बनवाया था, जो कि उदयपुर की राजकुमारी थी। लेकिन सिसोदिया राजकुमारी महाराज की दूसरी पत्नी बनने जा रही थी, तो उन्होंने महाराज के सामने शादी करने से पहले ये भी शर्त रखी कि उन्हें पटरानी यानी प्रधान रानी का दर्जा दिया जाए। और बाद में उनका एक बेटा हुआ महाराजा सवाई माधो सिंह, जो कि 1750 में जयपुर के राजा भी बने। जो ये सिसोदिया बाग है, ये हिंदू और मुगल आर्किटेक्चर से मिलकर बना हुआ है। इस गार्डन के अंदर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, झरने और मंदिर भी हैं, जो कि भगवान शिव, विष्णु और हनुमान जी को समर्पित हैं। और यहाँ की दीवारों पर राधा और कृष्ण जी की पेंटिंग्स भी बनी हुई हैं, जिन्हें प्यार का प्रतीक भी समझा जाता है। जब आप सिसोदिया गार्डन के अंदर आओगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, क्योंकि यहाँ चारों तरफ पहाड़ हैं और बहुत ही शांत सा ये गार्डन है। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आप यहाँ शाम के टाइम आना, इस वक्त बजे हैं 6 के आसपास और मौसम बहुत ही अच्छा है, काफ़ी क्लीन सा ये गार्डन है। तो मेरे हिसाब से जो शाम का टाइम होगा वो परफेक्ट होगा इस गार्डन को घूमने के लिए। अगर आप यहाँ आना चाहो तो आप टैक्सी वगैरह भी ले सकते हो, क्योंकि ये शहर से थोड़ा सा दूर है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक ये ओपन रहता है और इसे 0.5 किलोमीटर दूर है विद्याधर गार्डन। अब हम वहीं जाएंगे। यह मरम्मत का काम चल रहा है, इसीलिए जो फाउंटेन्स हैं वो अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, वरना ये फाउंटेन्स जब आप यहाँ आओगे तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपको ये वर्किंग कंडीशन में मिले। सिसोदिया गार्डन से 0.5 किलोमीटर दूर विद्याधर गार्डन है। तो हुआ ये कि जो मेरे पास कंपोजिट टिकट थी वो 5 बजे तक वैलिड थी
और यहाँ की टिकट मुझे अलग से लेनी पड़ी जिसका प्राइस है 100 रुपीज। तो ये भी एक ध्यान में रखने वाली बात है, अगर आप जयपुर में कॉम्पोजिट टिकट परचेज कर रहे हैं तो वो आज जिस टाइम से आपने परचेज की है उस टाइम से लेकर अगले दिन के शाम 5 बजे तक ही वैलिड होती है। विद्याधर गार्डन जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। आप यहाँ से ऊपर आएंगे तो एक पार्ट उस तरफ है और एक पार्ट इस तरफ है। विद्याधर गार्डन 1988 में जयपुर के चीफ आर्किटेक्ट विद्याधर भट्टाचार्य की याद में बनवाया गया था। विद्याधर ने महाराज सवाई जयसिंह सेकंड के साथ मिलकर जयपुर सिटी को शिल्प शास्त्र और वास्तु शास्त्र के हिसाब से डिजाइन किया था। जब महाराज जयसिंह ने आमेर को छोड़कर जयपुर को कैपिटल बनाने का फैसला लिया था तो उसमें विद्याधर को चीफ आर्किटेक्ट के पद पर नियुक्त किया गया था। सिसोदिया गार्डन की तरह यहाँ भी अभी मेंटेनेंस वर्क चल रहा है, लेकिन यहाँ जो नाइट का व्यू है वो बहुत ही अच्छा है और ये उससे बहुत बड़ा है। इस पूरे गार्डन में जमीन के नीचे लाइट लगी हुई है, मतलब अंदर गड़ी हुई। मुझे लगता है कि इस पूरे बाग में मैं सिर्फ अकेला ही टहल रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी तक यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा, लेकिन ठीक है उससे थोड़ी सी भीड़ कम होना तो डिस्टर्बेंस कम होती है। जो इस गार्डन की टाइमिंग्स हैं वो हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक, लेकिन इसके बीच में 5 से 6 बजे तक का एक ब्रेक भी रहता है। वैसे अगर आप दिन में भी आओगे तो आप सिसोदिया बाग और ये वाला बाग देखोगे तो आपको दोनों सिमिलर से दिखेंगे, तो मुझे यही लगता है कि यहाँ बेस्ट टाइम जो है वो यही टाइम है शाम का, अराउंड 7 बजे का।